अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ नाजिया वामिक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि आपके सामने एक अच्छा और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आते हैं, जिस मदर्स होती हैं जो आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि हमें बहुत सारी मेडिसिन मेडिकेशन मिलती है, नॉट मेडिकेशन लाइक न्यूट्रिशन मिलती हैं, लाइक वाइटमिन कैल्शियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और जैसे ही हमारी डिलीवरी हो जाती है और हम वो सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। ये मैंने अपने मोस्टली क्लाइंट्स के अंदर मैंने ये चीज़ सुनी है, और जिसकी वजह से उनको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है, जो कि पोस्ट प्रेगनेंसी का आप कहते हैं कि हेयर फॉल है। वो होता क्यों है, उसके रीजंस क्या हैं, तो आप वो चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। आप जो मदर्स स्पेशली उस वक्त न्यूट्रिशन सारी मल्टीविटामिन्स कैल्शियम ले रही होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्लीज़ आप उसको छोड़ें नहीं, वो सारी आप कंटिन्यू रखें टिल योर लाइफ लॉन्ग। क्योंकि देखें, ये चीज़ें आपके बेबी को हेल्प आउट नहीं कर रही होती हैं, उनको न्यूट्रिशन नहीं पहुँचा रही होती हैं। बेबी तो एट द कॉस्ट ऑफ मदर्स लाइफ सारी न्यूट्रिशन पूरी कर लेता है, लेकिन ये एक्चुअली ये न्यूट्रिशन होती हैं आपके अपनी बॉडी के लिए। तो वो आपको डॉक्टर जो प्रोस्क्राइब करता है वो आपके अपने लिए करता है, और जबकि हम आफ्टर डिलीवरी ये सारी चीज़ें छोड़ देते हैं जस्ट बिकॉज के हम कि ये अब तो इसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस पर हमें इस डबल पे ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ अपनी न्यूट्रिशन, अपना इनटेक ऑफ वाटर, अपने मल्टीविटामिन्स कैल्शियम को आप अपने डेली बेसिस के ऊपर भी आप उसको लाइफ लॉन्ग अपने साथ रखें। इनटेक ऑफ वाटर भी हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, और हमारी डाइट भी बहुत अच्छी रहनी चाहिए। ये हमारी स्किन के लिए और हमारे हेयर के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। साथ भी ये डाइट मेंटेन रखनी चाहिए, और वो ये डाइट में अपने शामिल करना चाहिए जैसे कि कैरेट्स हैं, ओट्स हैं, स्पिनैश है, प्रून्स हैं, स्वीट पोटैटोज़ हैं, डेरी प्रोडक्ट्स हैं, एवोकाडोज़ हैं, ये सारी चीज़ें आपको अपनी डाइट के अंदर रखनी चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सारी आ जाती हैं आपकी उसके अंदर। इसके अलावा आप हेल्दी डाइट के अंदर ये सारी चीज़ें आप रख सकते हो। इनटेक ऑफ वाटर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके हेयर थिक करने हैं या आपको ये तो आपने आपको मैंने डाइट का तो मैंने बता दिया, तो अगर हेयर भी थिक करने हैं आपने, तो आपके ये डाइट आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है। इसके अलावा अगर आपको और कोई क्वेरी है आपकी, या आपको और कोई इसके अलावा इसके बारे में कुछ पीआरबी के रिलेटेड आपने कोई क्वेश्चंस करने हैं, या कोई हेयर या स्किन के बारे में कोई क्वेश्चंस करने हैं, आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप उस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नाजिया वामिक के नाम से, ताकि मैं आपको इस तरह की और वीडियोस बना के आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुँचा सकूँ। जितना ज़्यादा आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, आपको आपके पास न्यू इन्फॉर्मेशन मैं पहुँचाती रहूँगी। तो डोंट फॉरगेट, स्टे इन ट्यून, सारोनारा।